हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हैशटैग आस्क डॉक्टर पीएस तिवारी का तीसरा वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपके आए हुए कमेंट का जवाब दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, मनोरंजन त्रिपाठी जी का क्वेश्चन है कि सर, अगर कुछ भी डस्ट लग जाता है तो एलर्जी होता है, नाक से पानी फिर अस्थमा हो जाता है। तो मनोरंजन जी, आप जो है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि होम्योपैथिक में दवाई जो है सिम्टम पर डिपेंड करती है। आपने यह नहीं लिखा है कि एलर्जी है, डस्ट एलर्जी कितना दिन से है, कैसे होती है, छींक के साथ साथ में खांसी सर्दी बुखार, लेकिन टाइम सेट नहीं किया कितना दिन से कब से है। तो फिलहाल आप जो है पोथोस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके 3 बार लगातार कुछ दिन दे लीजिए, आपका डस्ट एलर्जी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजा भैया का। इन्होंने लिखा है, सर यू आर द ग्रेट, थैंक यू आर नॉन रिप्लेसेबल, प्लीज स्टार्ट ए सीरीज ऑफ मदर टिंचर, थैंक्स। ठीक है जी, आपका बात हम समझ गए हैं। मदर टिंचर पर मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। दोस्तों, अगला सवाल है सुबिंग गेयर का। इन्होंने लिखा है कि हमारी प्रॉब्लम 5 साल से है, दोनों शोल्डर में और बैक पे होता है। तो सुमित जी, 5 साल के प्रॉब्लम को हम नहीं दवाई बताते हैं, क्योंकि 5 साल के प्रॉब्लम की दवाई बताई नहीं जाती है, यह होम्योपैथी के खिलाफ है। तो हम खाली 1 साल के अंदर जो हल्की फुल्की प्रॉब्लम है उसी का आंसर देते हैं, नहीं तो कंप्लीट ट्रीटमेंट है। तो आपको आपके केस में कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। आप अपने पूरे प्रॉब्लम को व्हाट्सएप में भेजिए। अगला सवाल है देवकन्या आर्या का। थैंक यू सर, डॉक्टर साहब, वेरी गुड आइडिया, वी लवर्स ऑफ होम्योपैथी हैव नो क्वेश्चन आंसर, इट्स वेलकम स्टेप फॉर अस, आई हैव ए क्वेश्चन, आर एपिस्मेल एंड रस्टक्स इनकम्पेटेबल ईच अदर, प्लीज डू रिप्लाई, आई शैल बी ग्रेटफुल। तो देवकन्या आर्या जी, सबसे पहली बात यह है कि रस्टक्स और एपिस दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे के इनिमिकल हैं। अगर आप रस्टक्स दे रहे हैं तो आपको एपिस नहीं खाना है, अगर एपिस खा रहे हैं तो रस्टक्स नहीं खाना है। रस्टक्स और एपिस दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों को एक साथ में नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आलोक सिंह जी का। इन्होंने लिखा है कि सर यू आर ग्रेट, थैंक यू, IBS की दवा बताइए, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो आलोक सिंह जी, IBS की दवा जो है सिम्टम के ऊपर डिपेंड करती है, एलोपैथिक नहीं है कि आपको कोई दवाई बता दें आप उसको लेते रहें। आपके भी केस में केस टेकिंग की ज़रूरत है, कंप्लीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप जो है या तो हमसे अपना ट्रीटमेंट लीजिए, या तो जो है किसी भी डॉक्टर से ले लीजिए। इसकी दवाई जो भी डॉक्टर बताएंगे कोई दवाई फायदा नहीं करेगी, क्योंकि IBS पूरा डिपेंड करता है टोटलिटी आप सिम्टम पर। फिलहाल आप बोरेक्स 3x दो गोली करके 3 बार इसको लेना चालू कर दीजिए, इससे आपको आराम तो मिलेगा लेकिन जड़ से नहीं ठीक होगा। जड़ से तभी ठीक होगा जब आप अपना पूरा प्रॉब्लम व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, तभी आपका जड़ से ठीक होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एम्ब्रॉयडरी डिजाइनर का। इन्होंने लिखा है, हेलो सर, सर क्या हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर, इस्नेशिया मदर टिंचर और ऑस्मियम मदर टिंचर को मिला के यूज कर सकते हैं? तो डिजाइनर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रेस्टिस तो बहुत अच्छी दवाई है, यहाँ तक कि कैंसर के में भी काम आती है और जो है कमर के दर्द में काम आती है, और इस्नेशिया आपका इम्यूनिटी ठीक करेगी, गैंग्रीन ठीक करेगी, दुनिया भर का एक्शन है। तो इसका आंसर हम आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने 38 साल के प्रैक्टिस में 3 मदर टिंचर कभी नहीं दिया है, 2 दिया है क्योंकि उसमें दोनों का खिचड़ी हो जाएगा। 3 दवा का मिक्सचर बहुत डॉक्टर देते हैं लेकिन हमने अभी तक नहीं दिया है, इसलिए इसका जवाब हम नहीं दे सकते। अगला सवाल है राजेश कुमार जी का। सर नमस्कार, मैं 50 वर्षीय पुरुष हूँ और पिछले 5 वर्ष से लोअर और मिड बैक पेन से परेशान हूँ। MRI की रिपोर्ट में L4, L5, S1 में डिस्क बल्ज है और L1, L2 में ऑस्टियोफाइट्स है। दर्द कमर के ठीक बीच में कुल्हड़ी और पीठ में होती है, तो किसी तरह की टिंगलिंग और नंबनेस नहीं होती है और पैरों में भी नहीं है। आर्निका, रस्ट्रक्स, कोलोसिंथ, लाइकोपोडियम, मेडोनियम, कल्केरिया फ्लोर मेडिसिन ले चुका हूं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कृपया मदद करें और दवा बताएं जिससे दर्द में आराम हो। तो राजेश कुमार जी, आपका भी क्वेश्चन सही है लेकिन आंसर इसका हमारा यह है कि आपको 5 साल से प्रॉब्लम है, तो 5 साल की प्रॉब्लम जो है हम भी कोई एक दवा बता दें। ये जितनी दवाई आप खा रहे हैं, आर्निका, रस्ट्रक्स, रूट्रा, कोलोसिंथ, लाइकोपोडियम, मेडोनियम, कल्केरिया फ्लोर, तो हम भी आपको एक दवाई बता दें, तो उसमें
हमारे इंडिया में आ जाएगा, तो आपको 5 साल की प्रॉब्लम को कंप्लीट ट्रीटमेंट आप लीजिए, चाहे हमसे लीजिए चाहे किसी से भी लीजिए, 5 साल की प्रॉब्लम की दवाई नहीं बताई जाती। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कुणाल सिंह जी का, उनका क्वेश्चन है कि हेलो सर, माई मॉम एज 70, कोई बेस्ट पेटेंट मेडिसिन बताओ फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की और ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो दोनों को बिल्कुल ठीक करे। ऑस्टियोआर्थराइटिस 10 साल से है और रूमेटॉइड 2 साल से है, प्लीज हेल्प। तो कुणाल सिंह जी, पहला चीज़ तो यह है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है ना, तो ऑटो इम्यून डिजीज के लिए इसकी दवाई कोई पेटेंट नहीं है। और जहाँ तक बात है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की आप जो है एज के अनुसार आपका घिस जाता है, घुटना हुआ या हाथ का ज्वाइंट हुआ घिस जाता है, तो इसके लिए हम आपको दवाई बता दे रहे हैं और बीच में और फिर कंसल्ट करेंगे तो जड़ से आराम हो जाएगा। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवा जो है ऑटो इम्यून डिजीज है, इसकी दवाई नहीं बता पाएंगे। आप जो कलकरिया फ्लोर 30 और रूटा 30 4-4 बूंद सुबह शाम लगातार ले लीजिए, आपको जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस आपका काफ़ी आराम हो जाएगा। लेकिन बीच में कंसल्ट कीजिए, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसका जो है बिना मेंटल सिम्टम देखे दवाई नहीं बता पाएंगे। दोस्तों अगला सवाल है विजय श्रीवास्तव जी का, इन्होंने लिखा है कि रेस्पेक्टेड डॉक्टर थैंक्स, दिस इज एन एकेडमिक सीरीज वेल डिफाइंड डिस्कस्ड एंड एलिबोरेटेड टॉपिक्स विथ यूज ऑफ मेडिसिन, ग्रेट सर्विस फॉर ह्यूमन बींग, प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर रिगार्ड्स। तो विजय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी तारीफ कर दी है, बहुत इसके लिए हम बहुत आभारी आपके हैं। ऐसे ही हमारी आप तारीफ करते रहें तो हमको मनोबल हमारा बढ़ेगा और जो लोगों को लाभ मिलेगा, धन्यवाद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चेरिल हुजर का, इन्होंने लिखा है व्हाट टू टेक फॉर कॉन्स्टिपेशन हुच हैज काज फिशर बट भूमिका नॉट हेल्पिंग मच, नीड सम लेजेटिव काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा है हुजर साहब, आप जो है आप अपना पेट साफ रखिए, हार्ड स्टूल आने से ही फिशर होता है, क्योंकि हार्ड स्टूल आने से बल लगाना पड़ता है, स्ट्रेनिंग करना पड़ता है तो फिशर हो जाता है। तो आप यही कोशिश कीजिए कि आपका पेट साफ रहे, इसके लिए हरी सब्जी ज़्यादा खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, और होम्योपैथिक में एक दवाई आती है कार्डोस मदर टिंचर, उसको 10 बूंद सुबह शाम लगातार आप लेंगे तो आपका स्टूल नॉर्मल रहेगा, आपका स्टूल सॉफ्ट रहेगा, हार्ड कभी नहीं होगा, और जब स्टूल हार्ड नहीं होगा तो फिशर आपको कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों अप्सरा जी का है, इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर 11 महीने की बेबी को दिन भर कितना पानी पिलाना चाहिए, प्लीज़ बताइए, थैंक यू। ऐसा है अप्सरा जी, 1 साल तक बच्चे को पानी की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो तो फीडिंग पर रहता है, वैसे फिर भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 24 घंटा में कम से कम 2 ग्लास पानी पिलाइए और साथ साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी कराइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुरभि श्रीवास्तव जी का, इन्होंने लिखा है कि थैंक यू सो मच सर, यू सॉल्व माई बिग प्रॉब्लम। तो सुरभि श्रीवास्तव जी, हमको तो ये पता ही नहीं आपकी क्या प्रॉब्लम थी, हमने क्या सॉल्व किया, इतना हमको ख्याल नहीं रहता है, लेकिन हमारी दवाई से आपको फ़ायदा हो गया। आशा है कि आप जो है ऐसे ही जो क्वेश्चन पूछते रहेंगे और हमसे फ़ायदा लेती रहेंगी। आपने लेकिन ये आपको ये भी लिखना चाहिए था कि आपको क्या प्रॉब्लम था और क्या दवाई से ठीक है, जिससे हम समझते और बाकी लोग भी बाकी जनता भी समझती कि क्या प्रॉब्लम था आपको और किस दवाई से आपको आराम हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अब्दुल मजीद जी का, इन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब आई एम 72 इनलार्ज प्रोस्टेट वेक एट नाइट एवरी 1.5 आवर। तो जब प्रोस्टेट आपको रहेगा तो आपको पेशाब रात में 10 बार भी रख सकता है, स्मॉल स्ट्रीम ब्लेडर डज नॉट इम्पिटी, प्लीज एडवाइस मी। तो अब्दुल जी, आप जो है आपकी प्रोस्टेट जो है जब तक नॉर्मल नहीं होगी तब तक आपको रात में पेशाब ज़्यादा ही लगेगी। तो आपकी उम्र 72 है, आपको 50-60 साल की उम्र में ही अपना प्रोस्टेट का चेकअप करा के अगर दवाई खा लेते तो आज आपकी ऐसी नौबत नहीं आती कि प्रोस्टेट बढ़ गया है। तो देर आए दुरुस्त है, अभी भी कोई देरी नहीं है। आप जो है एक दवाई का नाम बता रहे हैं हम, सबल सेरुलटा आधे कप पानी में 20 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना लीजिए, और उसके बाद जो है सुबह शाम 2 बार लीजिए और लगातार लीजिए, आपका प्रोस्टेट जो है नॉर्मल आ जाएगा। और इस केस में जो आपको एक बार एक टेस्ट करवा लीजिए, PSA का एक टेस्ट भी करवा लीजिए, जिससे कंफर्म हो जाए कि कोई इसमें इन्फेक्शन नहीं है, और सबल सेरुलटा से आपका प्रोस्टेट जो है नॉर्मल आ जाएगा। 6 महीना के अंदर दवाई खाते रहेंगे और आस्ते आस्ते आपका नॉर्मल आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अशीत कुमार अधिकारी का, इन्होंने लिखा है कि आई एम 69 ईयर्स ओल्ड मेल, रात में 2 से 3 बजे के बीच में नींद खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती, ये प्रॉब्लम 3 साल से है, प्लीज़ सजेस्ट।
तो अधिकारी जी प्रॉब्लम आपकी 3 साल से, तो आपको दवाई हम खाली यही बता सकते हैं, कोई डायलिसिस हम नहीं बता पाएंगे। फिलहाल आप जो है नींद आपको अच्छी लगे, आपको प्रोस्टेट नहीं है, तो आप जो है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर 30 बूंद आधे कप पानी में रोज सोने के समय लीजिएगा और कुछ दिन लीजिएगा, और जब तक फायदा नहीं हो तब तक लीजिएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका जो है नींद आपकी अच्छी लगेगी, आप सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश लगेंगे, आपकी नींद 2 बजे तक नहीं खुलेगी। दोस्तों अगला सवाल है छिनी कन्हैया जी का, इन्हें जो लिखा है एक्सेलेंट इन्फॉर्मेशन एंड डूइंग ए ग्रेट जॉब बाय प्रोवाइडिंग मेडिसिन नेम्स विथ रेस्पेक्टिव सिम्टम, थैंक यू। कन्हैया जी आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो हमारे वीडियो का तारीफ किया है, आप ऐसे ही तारीफ करते रहेंगे तो हम ऐसे ही अपना मनोबल हमारा ऊंचा रहेगा और हम आपके क्वेश्चन का जवाब देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है राजेश सिंह का, राजेश सिंह लिखे हैं कि सर HLA-B27 पॉजिटिव पेशेंट एनकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए मेडिसिन बताइए सर। वो एक दवाई बता सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो है एनकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है इसमें हड्डियाँ जो है आपस में फ्यूज होती रहती हैं, तो बिना मेंटल सिम्टम देखे दवाई कैसे बता पाएंगे। लेकिन आपकी दवाई हम एक बता दे रहे हैं जिससे आपको कम से कम आराम रहेगा, ठीक तभी होगा जब आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके पूरा केस टेकिंग करके अपना पूरा डिटेल भेज करके लेंगे। वैसे दवाई का नाम है स्कूलस 30 चार बूंद सुबह शाम लेने से आपकी प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी, आपको आराम हो जाएगा, लेकिन जड़ से नहीं ठीक होगा। जड़ से तभी ठीक होगा जब आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना पूरा डिटेल भेज करके उसके बेसिस पर दवाई देंगे, और फिलहाल आप स्कूलस 30 जो है लगातार लेते रहे, इससे आपको कमर में दर्द या पीछे साइड में दर्द ये आराम रहेगा, लेकिन ठीक नहीं होगा, ठीक तभी होगा जब आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है सुधा बैज जी का, इन्होंने पूछा सर वेयर इज योर चैम्बर इन कोलकाता। तो सुधा बैज जी हमारा चैम्बर जो है गिरीश पार्क मेट्रो उसके पीछे में है, कलकत्ता मेडिकोज, उसका नंबर है 49 विवेकानंद, गिरीश पार्क मेट्रो से उतर कर थोड़ा दाहिने घूम जाइए कलकत्ता मेडिकोज, वहीं पर हमारा चैम्बर है, लेकिन समय बहुत कम है, 2 घंटा में हमको 10-12% देखना पड़ता है और हमको 2 बज जाता है। तो दोस्तों आज आए हुए कमेंट का हमने सब जवाब दे दिया है, आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट में #AskDrPSTY देकर पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका प्रॉब्लम 5 साल 10 साल 20 साल का है तब हमसे क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि उसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे। दोस्तों अगर आप हमसे अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार।